हेलो एवरीवन, आज हम लोग बनाएंगे सांभर। सांभर मैंने यहाँ बनाना थोड़ा आसान कर दिया है। चले उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा कद्दू लिया है, दो प्याज है, थोड़ी सी लौकी है, दो टमाटर है और आधा बैंगन है। ये सारी सब्जियाँ हमें बहुत ही बारीक बारीक काटना है। और ये मैंने इमली ली है, इमली को मैंने करीब आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। यहाँ मैंने एक कप अरहर की दाल ली, इसको भी करीब आधा घंटा पहले सो करके रख दिया था। सब्जियाँ आप देखिए मेरी बिल्कुल बारीक कट चुकी है। अब जो दाल हमने लिया था उसको कुकर में डाल के पानी डाल दिया है। अभी जो बारीक सब्जियां मैंने काटी थी वो पूरी इसी में डालेंगे। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, यहाँ मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाला। और करीब एक चम्मच भर के हमें यहाँ हल्दी डालना है और कुकर के ढक्कन को बंद कर देना। करीब यहाँ 5-6 सीटी आ जाएगी, उसके बाद हम खोल के देखेंगे। देखिए दाल मेरी सांभर कितना बढ़िया बन के एकदम तैयार हो, सब्जियाँ बिल्कुल इसमें अच्छे से मिक्स हो गई, पता भी नहीं चल रहा है कि इसमें सब्जियाँ मैंने साथ में डाली थी। बस इसी तरह से आपको बघार के बनाना है। यहाँ मैंने जो इमली का पानी भिगो के रखा था वो भी इसमें डाल दिया है। और ये सांभर मसाला डालेंगे। इसको दोनों चीज़ों को डालने के बाद 5-10 मिनट हमें इसे पका लेना है, खूब अच्छे से इसमें खोल आ जाए। और इधर हमारा बघार है, करी पत्ता है, राई है, जीरा है, खड़ी लाल मिर्च और हींग है। इधर हमने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, मस्टर्ड ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो जो हमने बघार लिया था वो सारा बघार पहले मैंने इसमें डाला है, करी पत्ता और हींग हमें बाद में डालनी है। अब हमने करी पत्ता हींग भी डाल दिया और बघार से मेरी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये सांभर बन के बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार इसे बना के देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।